मोदी मोदी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो। और इंदिरा गांधी जी के आखिरी शब्द क्या थे कि मेरे खून का एक एक कतरा देश को काम आएगा। और आपके शब्द क्या होते हैं कि हम तो फकीर है जी, हम तो फकीर है, झोला उठा के चले जाएंगे। अरे चचा, ऐसे कैसे झोला उठा के चले जाएंगे? हाँ, जनता चेक करेगी उस झोला में क्या है। चचा, चीन से आपको पीएम केयर फंड में कितना फंड मिला है? इसीलिए चीन के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये जो टिकटॉक है 30 करोड़, उसके शाओमी के 15 करोड़, हुई के 7 करोड़, ओप्पो के 1 करोड़, और जो ये पेटीएम है 38% की साझेदारी है आपकी, उसके 100 करोड़, ये सब कहाँ गए? सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे चचा, ऐसे कैसे झोला उठा के चले जाएंगे? चचा, बादाम खाइए, याददाश्त शक्ति आपकी तेज होगी। आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, आपको खुद ही नहीं पता चलता है। थोड़ा नशा जो है कम कीजिए। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई? बुलेट ट्रेन कहाँ गई चचा? काला धन कहाँ गया चचा? 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करने वाले आज टीवी में आके 5 किलो अनाज बेच रहे हैं। ये दुर्भाग्य देश का कि प्रधानमंत्री जो है वो 5 किलो अनाज की बात करता है, जिसको सारे देश के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी चाहिए थी। संकट से कैसे निपटा जाए, जो संकट को आप बिल्कुल इनवाइट किए थे अंदर, वो 5 किलो अनाज की बात करता है। हवाई चप्पल पहनाने वालों को हवाई जहाज में उड़ाने की बात करते थे आप, वही हवाई चप्पलें पड़ रही है आपके पुतले को। वीडियो देखा कि नहीं चचा? उनको हम जानते नहीं है, भारत की जनता है वो, हवाई चप्पल से बिल्कुल तड़ातड़ मुंह पे मार रही है। चचा, थोड़ा संभल के बोलिए। क्यों, बिहार में भी चुनाव आ रहा है? तो चचा जो है बिल्कुल अच्छे महंगे कपड़ों में लद के लद्दाख चले गए। गालवान घाटी नहीं गए चचा आप? 250 किलोमीटर से दूर से ही देख रहे हैं आप चीन क्या कर रहा है। अरे जाइए, क्यों फटती है? चीन का नमक खा गए आप चचा, चीनी नमक खा गए आप, इसलिए मुंह नहीं खोल रहे आप। मोदी मोदी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो। जनता कह रही है ओपन योर माउथ, अपना माउथ जो है, अपना मुंह जो है ओपन कीजिए, चीन के बारे में कुछ 2 शब्द बोलिए। बुद्ध की बातें करते, कृष्ण की बातें करते आप, बहुत है, हरिश्चंद्र सत्यवादी हो गए आप हैं? जब आपको पता है कि कच्चे तेल की कीमत बहुत ही कम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, 2004 वाले दाम ही में मिल रही है, तो फिर आप दाम क्यों बढ़ा रहे हो? आप दाम क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों जनता की कवर तोड़ने पे लगे हुए हो आप? अरे आपकी जनता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपकी जनता है भैया भारत की, इन्होंने आपको कितना प्यार दिया, कितना सम्मान दिया, एक बार नहीं दो बार प्रधानमंत्री बनाया, और आपको समझ में नहीं आता? बह गए हो एकदम से? कहां गया वो पहले वाला मोदी? गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे आप, जब प्रधानमंत्री नहीं थे आप, कितनी बुलंद आवाज में बोलते थे आप, और कैसे बोलते थे आप? भाइयों और बहनों, ये चीनी हमारे जमीन में घुसा चला रहा है, परेड कर रहा है, रोड बन रहा है, और ये केंद्र सरकार को कुछ पता नहीं है, ये बिल्कुल सो रही है। भाइयों और बहनों, ये केंद्र सरकार मुझे जवाब दे,
ये चीनी सेना को कैसे हटाएगी, क्या करेगी, क्या उपाय है? और अब का मोदी, ना कोई हमारी सीमा में आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं। मोदी जी देश बिक गया है, बिक गया। रुको और एक जुमला दे दूं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। न सीमा में कोई आया, न हमारी जमीन हड़पी। ये चीन वाले मजाक में 20 सैनिक को शहीद कर दिए। गजब की सरकार है भाई, ये गजब की सरकार है। भविष्य का सपना दिखाती है और सत्ता पे बैठ जाती है। वर्तमान में सवाल पूछो तो आपको भूतकाल में ले जाती है। गजब की सरकार है ये। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, और सब बोले वाह मोदी मोदी। अरे हम तो कहते हैं पेट्रोल पंप पर एक तख्ती लगा दो और कह दो आम जनता के लिए 80 रुपए और जो मोदी भक्त है उसके लिए 180 रुपए, फिर देखो फिर भक्ति कैसे झर जाती है। सब नशा उतर जाएगा। नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, जिता लो। अब खा रहे हो ना बेटा नून रोटी? अब क्या बोल रहे हो, वही खा रहे हो गोबर अभी तक? अरे हाँ 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 खाओ गई। तुम्हारी साध्वी जी बोली थी रोटी पर बटर की तरह गोबर लगा के खाओ, वही खा रहे हो अभी तक। तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती।